फ्रेंड, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो कोरोना वायरस अगर किसी को हो जाता है तो उसका पहला सिम्टम्स होता है कि उसको फीवर आता है, तो बहुत तेज बुखार आता है और उसका बुखार बिल्कुल भी कम नहीं होता है। तो फ्रेंड, एक जो किडनी फेलियर पेशेंट है जिसका डायलिसिस होता है, तो फ्रेंड उसको जो बुखार होता है वो कभी भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस होगा तो ही खाली बुखार आएगा एक डायलिसिस पेशेंट को। डायलिसिस पेशेंट को बुखार बिना कोरोना वायरस के भी आ सकता है। तो ऐसे में क्या आपको तुरंत भाग करके जाकर के टेस्ट कराने की जरूरत है? फ्रेंड, बिल्कुल भी ऐसी जरूरत नहीं है। आप कोरोना वायरस का टेस्ट अगर नहीं भी कराते हैं और जो मैं आपको अभी तक बताया है, आप अब इन सब चीजों को फॉलो करते हैं, आप तब भी ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बात कर लेते हैं कि आपको कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। तो फ्रेंड, आपको जो सबसे पहले तो आपको मल्टी विटामिन लेने चाहिए। तो जब भी आपका डायलिसिस होता है तो आपको आफ्टर डायलिसिस एक मल्टी विटामिन का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। मल्टी विटामिन का इंजेक्शन लगवाने से आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में सारे विटामिन जो होते हैं वो पहुंचते हैं। इससे आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है और बहुत अच्छे से काम करता है। तो आप इतना याद रखें कि अगर आपको मल्टी विटामिन नहीं लगता है अभी तक, तो आप मल्टी विटामिन लगवाना शुरू कर दीजिए। अब मल्टी विटामिन में कौन सा इंजेक्शन लें? तो फ्रेंड, आप ऑप्टी न्यूरोन ले सकते हैं। ऑप्टी न्यूरोन इंजेक्शन आता है एक मल्टी विटामिन का, मात्र 10 रुपए का इंजेक्शन आता है। आपका पैकेट ले लीजिए। अगर आपके 3 डायलिसिस होते हैं तो आप 2 डायलिसिस पे वो इंजेक्शन लगवाइए, बीच वाले डायलिसिस पे मत लगवाइए। अगर आपके 2 होते हैं तब आप दोनों डायलिसिस पे मल्टी विटामिन का इंजेक्शन जरूर लगवाइए आफ्टर डायलिसिस। डायलिसिस होने के बाद जब वो रिटर्न करता है तब आप वो मल्टी विटामिन का इंजेक्शन जरूर लगवाइए। अगर आप इंजेक्शन नहीं लगवा सकते हैं तो आप मल्टी विटामिन की टेबलेट भी ले सकते हैं। जैसे आप डायलिसिस करवा के घर पे आए और आपने जब खाना खाया तो उसके बाद आप मल्टीविटामिन की जो टैबलेट आती है वो ले सकते हैं। और बहुत सारी मल्टीविटामिन की टैबलेट्स आती हैं मार्केट में और बहुत सस्ती मिलती हैं, आप जाकर के मार्केट से ले सकते हैं। तो इससे जो आपका रहेगा कि इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा काम करेगा, और आपको कोरोना वायरस हो भी जाएगा तो आप उससे बाहर आ जाएंगे। अब बात करते हैं, कोरोना वायरस में खांसी बहुत ज्यादा होने लग जाती है, तो आप खांसी में क्या करें? फ्रेंड, खांसी में आप क्या करें कि आप कोई भी एक अच्छी सी जो खांसी के लिए मेडिसिन आती है, जो सिरप आता है खांसी के लिए, आप उसको ले सकते हैं। फ्रेंड, आप बेनाड्रिल लें वो बेहतर रहता है। बेनाड्रिल सूखी खांसी के लिए भी आता है और जो बेनाड्रिल होता है वो कफ वाली खांसी के लिए भी आता है। अगर आप बहुत ज्यादा पानी पिएंगे तो आपको कफ वाली खांसी आएगी कोरोना वायरस होने के बाद। अगर आप पानी कम पीते हैं और आपका जो ड्राई वेट है वो बराबर रहता है और आपका यूएफ कम बढ़ता है, तो आपको सूखी खांसी आएगी कोरोना वायरस होने में। तो आप सूखी खांसी वाली बेनाड्रिल ले सकते हैं। आप बेनाड्रिल बहुत अच्छी होती है। और दूसरी बात, आप जितना ज्यादा सोएंगे कोरोना वायरस होने के बाद, उतना ज्यादा जल्दी आप रिकवरी करेंगे। अब बात कर लेते हैं, आप कैसे पहचाने कि अब आप ठीक हो रहे हैं, आप कोरोना वायरस से बाहर आ रहे हैं? फ्रेंड, कोरोना वायरस से ठीक होने की यही पहचान होती है कि आपको सूंघने की शक्ति और आपके जो स्वाद लेने की शक्ति है ना, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी कुछ दिनों के लिए। 3 से 4 दिन आपको ना तो कोई सुगंध आएगी, ना आपका कोई टेस्ट आएगा। लेकिन ये अगर आपको हो जाता है तो अब आप जान जाइएगा कि आप बस ठीक होने वाले हैं। कोरोना वायरस आपके गले में ही खत्म हो गया है, फेफड़े में बिल्कुल भी नहीं पहुंचा है। बस फेफड़े में नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और वो आपको जो कोरोना वायरस है वो गले में, नाक में है, वो उसको मारना शुरू कर देगा। तो फ्रेंड, और दूसरा, आपको इससे एंटीबॉडी विकसित हो जाएगी, तो फिर आपको कोरोना होने की संभावना थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि जो कोरोना वायरस का जो वैक्सीन है वो भी एंटीबॉडी ही बनाती है।